तो मूवी के स्टार्ट होते ही एक लड़का अपनी कॉमिक बुक के जरिए हमें अपनी स्कूल की कहानी बताता है, जहाँ 6 टाइप के लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले वो बताता है उन बच्चों के बारे में जो ना पढ़ाई में अच्छे होते हैं और ना ही स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं। इनकी लाइफ सबसे ज्यादा बोर है। और इनके बाद आते हैं बैक बेंचर्स। एटलीस्ट इनकी लाइफ में थोड़ी थ्रिल तो है, दूसरों का मजाक उड़ाकर ही सही, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में मजा ले ही आते हैं। इनके बाद आते हैं सबसे ज्यादा लाइक बच्चे। इन्हें गेम्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, लेकिन पढ़ाई में ये नंबर वन है। और इसके बाद एक कैटेगरी आती है स्पोर्ट्स वालों की, जिन्हें दिन भर खेल कूद के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। स्कूल के हर मैच में, हर कॉम्पिटिशन में तकरीबन यही लोग हिस्सा लेते हैं। और फिर अगली कैटेगरी में उसने कॉमिक बनाए थे खूबसूरत लड़कियों के, जो सभी गेम्स के लिए चीयर करती थी। और फिर सबसे लास्ट और सबसे टॉप पे आता है गोल्डन ग्रुप, जिस ग्रुप के लोग स्कूल में सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, पढ़ने में भी आगे और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी। और इस ग्रुप का लीडर है फेम, जो कि पूरे स्कूल की जान है, क्योंकि स्टडी हो या कोई गेम, आज तक उसे कोई हरा नहीं पाया। अब ये कॉमिक वाला लड़का पीटर अपने बारे में बताता है, वो है सबसे पहले बताई हुई कैटेगरी का लड़का, जो ना तो पढ़ाई में अच्छा है और ना ही गेम्स में, और ना ही उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो दूसरों का मजाक उड़ा सके। कुल मिलाकर उसकी लाइफ बहुत बोर है। अपने आप को खुश करने के लिए वो कॉमिक्स बनाता है, जिसमें खुद को वो हीरो मानता है, और अपने स्कूल की सबसे फेमस, सबसे ज्यादा प्यारी लड़की को वो अपनी हीरोइन ड्रॉ करता है, क्योंकि उसे उस पर क्रश है। दिखाया जाता है कि सुबह स्कूल आते हुए पीटर बहुत ही ज्यादा लेट हो गया, और ऐसे हड़बड़ी में उसने अपने होमवर्क की जगह अपनी कॉमिक बुक रख दी। इसका अंदाजा उसे तब हुआ जब असेंबली में उसके पास खड़ा हुआ उसका दोस्त उसके बैग से उसकी होमवर्क कॉपी निकाल कर चीट करने लगा। अब वो घबरा चुका था, क्योंकि बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली थी। उस कॉपी के ऊपर उसने अपना नहीं बल्कि अपनी क्रश शोना का नाम लिखा हुआ था। लेट कमर्स वाली इस असेंबली से फ्री होते ही जैसे ही वो क्लास में जाता है तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका था, जिसका उसे डर था। वो कॉपी लग चुकी थी शोना के हाथ पे, क्योंकि होमवर्क कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली ने शोना का नाम पढ़ के ये शोना को दे दी थी। और अब सिर्फ शोना ने ही नहीं बल्कि शोना के साथ उसकी पूरी क्लास ने इस कॉपी में बनी सारी कॉमिक स्टोरी पढ़ ली थी, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग थी। इसमें उसने अपनी इमेजिनेशन लिखी हुई थी। और थोड़ा सा कल होने वाला इंसिडेंट भी, जब वो कल शोना को देखने के लिए फुटबॉल ग्राउंड में गया तो शोना फुटबॉल खेल रही थी, हवा से उसकी स्कर्ट ऊपर हो गई, और ऐसे उसने जो कुछ देखा वो सब ड्रॉ कर दिया। सिर्फ यही नहीं, कुछ इससे ज्यादा भी, ये सब पूरी क्लास ने पढ़ लिया था। शोना भी बहुत ज्यादा एम्बैरेस हुई थी, इसीलिए वो उसकी कॉमिक बुक उसी के मुंह पे मार देती है। पीटर को इतना इंसल्टिंग फील होता है कि वो रोता हुआ जाकर अपने वॉशरूम में छुप जाता है। काफी देर वॉशरूम में गुजारने के बाद उसका फ्रेंड उसे कॉल करता है और कहता है, बस भी करो, वॉशरूम से बाहर आ जाओ, बाहर आकर देखो तो सही हो क्या रहा है, तुम्हारी बुक की फोटोकॉपीज करके उसे पूरे स्कूल में मशहूर कर दिया गया है। बेचारा शर्मिंदगी से वापस आता है और आकर अपने दोस्त से पूछता है, आखिर वो नोटबुक शोना के हाथ लगी कैसे। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है, वो नोटबुक मैंने उसे दी थी नाम पढ़ने के बाद, बस फिर क्या था, वो अपनी क्लासमेट मे से बदला लेने के लिए चला गया, जो इस टाइम वॉशरूम में थी। अब सब कुछ जो हुआ था वो तो मे को भी पता था, इसलिए पीटर को सामने देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है। पीटर यहाँ उसे खूब डांटता है, जिसके जवाब में मे कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसी में आकर पीटर उसे पकड़ कर झंझोड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही पीटर ने उसे टच किया, पीटर को जोरदार बिजली का झटका लगा और वो जाकर पीछे गिर गया। उसके साथ ये क्या हुआ था उसे बिल्कुल समझ नहीं आई थी, लेकिन हाँ वो इतना जान गया था कि मे के अंदर कुछ तो गड़बड़ी है। उसी को टच करने पे उसे इतना करंट लगा था, मे तो बेचारी डर के वहां से भाग जाती है, और जाते हुए उसके बैग से गिर गई थी फेम की फोटो, जिसे देखकर वो समझ गया कि मे फेम को पसंद करती है। खैर अब वो घर जाता है, मे से तो उसे बदला लेना ही था, इसीलिए आज वो मे की कॉमिक बनाता है, जिसमें उसने लिखा था कि मे को अगर कोई टच कर ले तो मैं इतना जोर से उसे करंट देती है कि इंसान मर ही जाता है। ऐसी कॉमिक बनाकर उसने सुबह जल्दी स्कूल में आकर पूरे स्कूल में फैला दी, जिसे पढ़कर स्कूल में आई मे भी शॉक रह जाती है। अच्छी बात बस ये थी कि पीटर ने उसमें मे का नाम नहीं लिखा था, जिसकी वजह से उसकी क्लास में कोई ये नहीं जान पाया कि जिस इलेक्ट्रिक गर्ल के बारे में पीटर ने लिखा है वो असल में मे ही है। अब मे परेशानी में पीटर के पास आती है, क्योंकि जो उसने किया था वो तो गलती से किया था, और पीटर उससे बदला लेने के लिए ये सब जानबूझ के कर रहा था। वो उसे ये सब रोकने को कहती है, लेकिन तभी वो देखती है कि पीटर उसके बारे में एक और कॉमिक लिख चुका है, जिसके वो प्रिंट से निकाल रहा था, इसे भी वो सभी लोगों में फैलाना चाहता था। ये देखकर मे घबरा जाती है, उसकी हार्ट बीट तेज होती है, जिसकी वजह से उसकी रिस्ट वॉच भी बीप करने लगी। ये चीज पीटर नोटिस कर लेता है, और जब ये बताने के लिए वो मे की तरफ बढ़ता है तो उसे एक और मरतबा जोरदार बिजली का झटका लगता है। वो बेचारा दूर जाकर गिरा, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मैंने यहाँ से सारे कॉमिक्स उठा लिए, और घर जाकर अपने मॉम डैड से कहा, बस अब आप मेरा स्कूल बदल दीजिए,
क्योंकि इस स्कूल में भी सब लोग मेरी सच्चाई पता चलने वाली है, क्योंकि एक लड़का मेरे बारे में जान गया है और मेरे पीछे ही पड़ गया है। और यहाँ आकर हमें मे के बारे में, मे की लाइफ के बारे में पता चलता है। मे के अंदर बचपन से ही कुछ अलग था। जब भी वो एक्साइटेड होती थी और उसकी हार्ट बीट 100 से ऊपर चली जाती थी तो उसकी बॉडी से ऐसे ही ग्रंट निकलता था। बेचारी छोटे होते जब भी किसी स्कूल में जाती तो ऐसे ही बच्चों को उससे शौक लग जाता था और उसे वो स्कूल चेंज करना पड़ता था। बचपन से ही वो इस तरह स्कूल चेंज करती आ रही थी। यहाँ तक के एक्साइटमेंट में अगर वो किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को हाथ भी लगा लेती थी तो वो भी सड़ जाया करते थे। लेकिन फिर भी आज तक उसके मॉम डैड ने उसकी सच्चाई सबसे छुपाने की कोशिश की और साथ ही उसकी इस कमजोरी को अपना फायदा बनाया। उसके डैड उसे ट्रेडमिल पर भगा कर अपनी बैटरीज चार्ज करवाते थे उसे, ऐसे उनका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बच जाता था। फिर सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि मे ने अब स्कूल से आकर अपना लीविंग फॉर्म ले लिया है क्योंकि अब वो स्कूल छोड़ने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पीटर ने भी जितने मे के बारे में कॉमिक लिखे थे सभी बच्चों से वो कॉमिक वापस ले लिए। ये देखकर मैं हैरान हुई और मैंने उससे पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? जवाब में वो कहता है कि मैं कौन होता हूँ तुम्हारी कमजोरी को सबको बताने वाला और तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा करने वाला, इसीलिए अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे बारे में कॉमिक बनाऊंगा। ये कहकर वो सारे के सारे कॉमिक चला देता है और इसी आग में मैं अपना लिविंग फॉर्म भी चला देती है। लेकिन देखते ही देखते यह आग इतनी बढ़ गई कि फेंस में ही लग गई, जिसे देखकर पीटर तो घबरा गया। लेकिन मैं जल्दी से भाग के यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर ले आई, जिससे ये लोग आग बुझाने में कामयाब रहे। मैं नहीं जानती थी कि दूर खड़ा फेम उसे नोटिस कर रहा था और वो उसकी स्पीड से इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ तक कि अगले दिन उसने उसे अपनी टीम ज्वाइन करने का इनविटेशन भी दे दिया। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। ऐसे में उसकी बॉडी से करंट निकल सकता था, इसलिए वो यहाँ से भाग गई। दूसरी तरफ पीटर जो बीमार हुई शोना की तबीयत पूछने गया था, शोना उसका बहुत मजाक बनाती है, उसके लाए हुए सामान को भी डस्टबिन में फेंक देती है और बेचारा दुखी होकर मे के घर आता है। वो ऐसे हो गया था जैसे लाइफ उसकी खत्म ही हो गई हो। वो मे को कहता है तो मुझे करंट दो और करंट देके मार दो, लेकिन ऐसे ही फजूल में मे के अंदर से करंट नहीं निकलता था। वो जब मे को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलवाता है तो मे उसे थप्पड़ मारती है। उसके थप्पड़ में करंट भी था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। उसे होश आया तो वो एक स्ट्रेचर पे था और उसके ऊपर दो डॉक्टर्स खड़े हुए थे जो उसकी किडनीज निकालने की बात कर रहे थे। ये सुनकर वो घबरा गया, लेकिन तभी उसे पता चला कि ये तो मे के पेरेंट्स हैं जो उसके ऊपर प्रैंक कर रही है। और मैं उसे कहती है बस करें ना डैड, छोड़ दें उस बेचारे को। खैर अब ये लोग पीटर को खाना खिलाते हैं और देखते ही देखते पीटर और मे के दरमियान में अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये लोग वादा करते हैं कि अब ये हर काम में एक दूसरे की मदद करेंगे। इसीलिए पीटर ने मे को फेम के साथ रेस में हिस्सा लेने का मशवरा दिया था, जबकि मे ने पीटर को मशवरा दिया था कि तुम जाओ और शोना की हेल्प करो जिससे तुम उसकी नजरों में आ पाओगे। शोना की प्रॉब्लम थी कि उसकी टीम के लिए कोई भी शेयर लीडिंग नहीं करता था, इसलिए वो एक क्लास में बच्चों को जाकर उनका होमवर्क करने की लालच देकर सभी बच्चों को उसकी गेम देखने के लिए मना लेता है, जिसके बदले में उसे बच्चों की ड्राइंग्स भी बनानी पड़ती है, सारा होमवर्क लिखना पड़ता है, यहाँ तक कि उनके बदले के प्लांट्स भी लगाने पड़ते हैं और सफाई भी करनी पड़ती है, जिसमें मैं उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। एक दिन वो मे को अपने घर ले आता है और मैं वहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे पोस्टर्स देखती है जो उसने शोना के बनाए हुए थे। वो उसे कहती है तुम ये शोना क्यों नहीं दिखाते, अगर तुमने ये दिखा दिया शोना को कि तुमने उसे कितने प्यारे वे में पेंट किया है तो वो जरूर तुमसे इम्प्रेस होगी। लेकिन पीटर अब अपने कॉमिक या अपनी पेंटिंग दिखाने से डरता था। खैर बच्चे भी शोना की डीएम देखने के लिए चले जाते हैं जिससे शोना बहुत खुश होती है, लेकिन अभी वो ये बात नहीं जानती कि इस सब के पीछे पीटर है। दूसरी तरफ मैं भी रेसिंग में हिस्सा ले चुकी थी, लेकिन ये रेस आम रेस वाली नहीं थी। इस रेस में चार लोगों को दौड़ना था कुछ इस तरह के, पहला राउंड पहले प्लेयर को कंप्लीट करके अपने हाथ में पकड़ा हुआ रॉड दूसरे प्लेयर को देना है, जिसके बाद वो भागना शुरू करेगा और इसी तरह तीसरा और चौथा, और फिर जो टीम सबसे कम टाइम में अपना राउंड कंप्लीट करेगी वो जीत जाएगी। ये सुनकर मैं घबरा गई क्योंकि भागने से उसकी हार्ट बीट तेज होती थी और उसकी बॉडी से करंट निकलता था। वो फैसला करती है कि वो सबसे एंड में भागेगी, लेकिन तब भी एक मसला हो जाता है। वो भागते हुए जब फेम को देखते हैं तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसके अंदर करंट पैदा हो जाता है। ऐसे में वो फेम के हाथ से रॉड नहीं पकड़ती बल्कि बड़ी होशियारी दिखाते हुए उस रॉड को छोड़ देने का ड्रामा करती है और फिर अपने पाँव से किक करते हुए उस रॉड को पकड़ती है। ऐसे में वो रॉड उसके नाक पे लग के उसके नाक से खून भी आने लगा था, लेकिन वो फेम को हराना नहीं चाहती थी। वो बहुत ही तेजी से भागती है और उसे ये गेम जितवा देती है, जिसके बाद अब ये लोग फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुके थे। दूसरी तरफ सभी मे के स्टाइल के भी दीवाने हो गए थे। जैसे उसने रॉड पकड़ा था, इस रेस को जीतने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो वॉशरूम में आकर मे को खुशी में गले लगा लेती है और ऐसा होते ही मे को कुछ फील हुआ था, कुछ ऐसा एहसास कि अब उसे मे दोस्त से कुछ ज्यादा लगने लगी थी। घर आकर जब वो कॉमिक ड्रॉ करता है तो आज उसने अपनी कॉमिक में शोना को नहीं बनाया बल्कि आज उसने अपनी कॉमिक के अंदर मे को ड्रॉ किया था
वो वाकया ड्रॉ किया था कि जैसे मैंने उसे गले लगाया। जबकि अगले दिन स्कूल में मैं फ्रेम से संडे को कहीं चलने का कहता है, वो खुश हो गई थी। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने डेट के लिए इनवाइट किया है। उसने ये बात पीटर को भी बताई, लेकिन पीटर ये सुनकर खुश नहीं हुआ क्योंकि वो खुद मेरे को पसंद करने लगा था। मेरे को तो मेकअप भी करने नहीं आता था। जारी टूटा फूटा जैसा भी मेकअप करती है और फिर पीटर के साथ उस लोकेशन के लिए निकल जाती है जहाँ पे उसे फेम ने बुलाया था। पर यहाँ आकर तो जैसे उसका दिल ही टूट गया। ये एक ग्राउंड था जहाँ पर फेम ने उसे रनिंग प्रैक्टिस के लिए बुलाया था, जबकि दूसरी तरफ पीटर अब अपनी बनाई हुई सारी कॉमिक बुक्स को एक छोटे बच्चे के जरिए शोना तक भेजता है, जिन सारी कॉमिक बुक्स में उसने शोना को बहुत अच्छे से ड्रॉ किया था। अब सारी कॉमिक स्टोरीज शोना के पास पहुंच भी गई थी और उसने पढ़ भी ली थी। उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। ये पढ़ने के बाद वो फौरन पीटर के पास गई। पीटर उसे अपने पास देखकर हैरान था। उसे लगा कि शोना इम्प्रेस हो गई है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वो उसे आई लव यू बोल देता है और सारी गेम यहीं से पलट जाती है। शोना उसे गुस्सा होने लग जाती है। वो कहती है, मैं तो तुम्हारा थैंक यू करने आई थी, तुमने इन सब कॉमिक्स में मुझे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, मुझे अच्छा भी लगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि उस दिन तुमने चेयर लीडिंग के लिए बच्चों को भेजा था, लेकिन इस सब का ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ, मैं फेम को पसंद करती हूँ। ये सुनकर उसका दिल ही टूट गया। यहाँ ग्राउंड में अब बारिश होने लगी थी, इसलिए इनकी प्रैक्टिस रुक गई। फेम मे के इतने करीब खड़ा हुआ था कि मे की हार्ट बीट बढ़ने लगी। उसकी बॉडी से अब करंट निकलने लगा जो बारिश के पानी की वजह से फेम को लग जाता है और बेचारी मे बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे तो लग रहा था कि फेम मर गया, लेकिन ठीक टाइम पे यहाँ पीटर आया और पीटर ने उसे बताया कि फेम सिर्फ बेहोश हुआ है। वो उसे यहाँ से जबरदस्ती ले जाता है और अब घर जाने पे वो बहुत ही ज्यादा उदास थी। उसके गुस्से की वजह से उसके अंदर अभी भी करंट था। ऐसे में जब वो मेन स्विच पे हाथ लगाती है तो उसके पूरे घर का फ्यूज ही उड़ जाता है। ऐसे में उसका मूड ठीक करने के लिए यहाँ पर पीटर बैठ जाता है और उसके साथ हुए वाक्य को अपनी कॉमिक्स के जरिए एक नया रंग दे देता है। कुछ इस तरह उसने स्टोरी बनाई थी कि एक इलेक्ट्रिकल के हीरो को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई। ऐसे वो डरने लगी कि अब हीरो उसे छोड़ जाएगा, लेकिन हीरो ने उसे कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, तुम जैसे भी हो मुझे तुम पसंद हो। पीटर की कॉमिक्स पढ़ के उसका मूड बहुत अच्छा हो गया था और उसे अपने साथ होने वाली हर चीज भूल ही गई थी। अब मैं ये बात जान चुकी थी कि अगर वो फेम को खुद सच बताए तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए अगले दिन वो जाकर उसे सारी बात बता देती है कि जब उसकी हार्ट बीट तेज होती है तो उसकी बॉडी में से करंट निकलता है। ये बात वो मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन यहाँ मैं उसे एक डेमो भी देती है और उसे उसका फोन चार्ज करके दिखाती है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और उससे इम्प्रेस भी, क्योंकि उसने अपनी सारी सच्चाई उसे बताती थी। और अब फाइनली वो उसे प्रपोज कर देता है और कहता है, पहले तो तुम मेरी दोस्त थी, लेकिन क्या अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। उसने ये सारी बात जाकर पीटर को बताया। ये सुनकर पीटर तो अंदर से टूट चुका था। वो अपने घर चला जाता है, जबकि अगले दिन अब सभी गेम्स का फाइनल डे था जिसके अंदर मैंने भी हिस्सा लिया हुआ था। पूरा स्कूल आज यहाँ इकट्ठा था सिवाय पीटर के, क्योंकि वो उदास अपने घर पे था। उसे मे को खोने का दुख था। वो मुस्कुराने लग जाता है। उसके दिमाग में कोई आइडिया आया था, जिस आइडिया के चलते वो जल्दी से स्कूल गया और जाकर फेम के साथ खड़ा हो गया। और उसने फेम से कहा, तुम क्या बड़े हीरो बने पीते हो, मेरे से मुकाबला करोगे क्या? फेम को वो पागल लगने लगा था। फेम तो उसे जानता तक नहीं था और वो ऐसी बातें कर रहा था। इनकी रेस जारी थी। फेम की एक पार्टनर भागते भागते अपना राउंड कंप्लीट करते हुए फेम के पास आ जाती है। फेम जल्दी से उसके हाथ से रॉड लेकर रेस को कंटिन्यू करता है और पीटर भी उसके साथ साथ भागता रहता है। और एंड पे खड़ी हुई मे से कहता है, ये देखो ये नोटबुक, ये पूरी की पूरी नोटबुक मैंने तुम्हारे ऊपर बनाई है। ये कहते ही पता नहीं उसे क्या हुआ, उसकी बॉडी से करंट निकलने लगा। अब फेम उसके पास आया और उसने रॉड पकड़ा तो उसे जोरदार करंट लगा। इस चीज को बॉदर किए बगैर मे हाथ में रॉड लिए जल्दी से अपना राउंड कंप्लीट करती है और फाइनली ये लोग रेस जीत जाते हैं। रेस जीतने की खुशी एक तरफ थी, लेकिन टेंशन एक तरफ कि अभी तो मैं नॉर्मल खड़ी थी, लेकिन फिर मेरी बॉडी में से शॉक कैसे निकला। मैं इन सभी सोचों में थी कि तभी फेम उसके पास आया। फेम ने उससे कहा, देखो मैंने तुम्हें प्रपोज किया, लेकिन तब भी तुम्हारी इतनी जल्दी हार्ट बीट नहीं बढ़ी, लेकिन जब पीटर ने सिर्फ तुम्हें यही बताया कि उसने तुम्हारे लिए एक कॉमिक बुक लिखी है तो तुम्हारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब है कि तुम पीटर से प्यार करती हो और तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए फीलिंग है वो सिर्फ एक क्रश वाली है। वो उसे कहता है, फैसला तुम्हारे हाथ में है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तुम पीटर को चुनोगी तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा। ये कहकर वो साइड पे हो गए, क्योंकि अब अनाउंसमेंट शुरू होने लगा था। सभी विनर्स को प्राइजेस मिलने वाले थे। ये मिलने के बाद इन सबको हाथ पकड़ के एक राउंड में खड़ा होना था। मैं पीटर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, जरा एक कॉमिक बुक पूछे तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने मेरे बारे में लिखा क्या है। ये देखते ही उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब क्योंकि उसे हाथ पकड़ना था सबका, इसीलिए वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैथ के फॉर्मूलाज बोलने लग जाती है। और इसी दौरान पीटर उसे प्रपोज भी कर देता है, ये कहते हुए क्या तुम अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ोगी। ये सुनते ही एक ही सेकंड में
उसकी हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है कि उसकी बॉडी से निकला हुआ करंट यहाँ सभी लोगों को लग जाता है, क्योंकि सभी लोगों ने उसका हाथ जो पकड़ा हुआ था, ऐसे सभी गिर जाते हैं और यही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।